हेलो दोस्त, मेरा नाम मंजीत। जैसे कि मैं आपके लिए मतलब नेस कैफे की मशीन पे नई नई वीडियो लेकर आता रहता हूँ, तो वैसे आज मैं लेकर आया हूँ कि जो थर्मास्टेट है वो कैसे काम करते हैं। चेक करेंगे कि इसमें ठीक कौन सा है, तो हम इसको लगाएंगे बजर पे। जैसे कि देखते हैं आप इसको मल्टीमीटर को, उसके बाद हम इसको बजाते हैं, बीप की आवाज़ आएगी। मतलब ये सही है जो देख रहे हैं आप। ये भी सही है, ये बड़ा वाला। एक्चुअली मैं इसे बड़ा कर सकता हूँ। ये भी सही है। और है कि बात सेंसर की, तो सेंसर में जो है ना वो बजर बजता नहीं है, सेंसर में बजर बजता नहीं है। इसमें एक वैल्यू शो होता है, सिर्फ खाली नंबर शो होगा, बजर नहीं बजेगा। एक्चुअली में इसमें ना कार्बन होता है, शॉर्ट नहीं होता अंदर से। ये जो है देखेंगे यहाँ पे एक कार्बन होता है, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग कैसे होती है अंदर, तो हम देखेंगे इसमें थर्मास्टेट जो है हमें तीन चार तरीके से मिलती है थर्मास्टेट। जैसे कि आप देखेंगे, एक तो ये है थर्मास्टेट जो देखेंगे, और एक ये है जैसे, और ये सेंसर है। जो सेंसर जो होता है वो कंपनी अपने रूल से मतलब मशीन चलानी चाहती है, इस चीज़ के लिए लगाती है। और देखेंगे कि ये जो है इसमें तो हम टेम्परेचर से सेट कर सकते हैं यूँ ऐसे घुमा करके। और रह गई इसकी बात, तो इसको हम कैसे टेम्परेचर सेट करेंगे, तो इसकी जो प्रोग्रामिंग होती है वो पीसीबी के अंदर ही होती है। इसकी जो प्रोग्रामिंग होती है वो पीसीबी के अंदर होती है, और वो इसकी जो लास्ट होती है वो होती है 92 डिग्रीज। इसकी होती है 92 डिग्रीज लास्ट। और जैसे कि ये देखेंगे इस पर ना, इस पर जो है आपका जो है इस पर लिखा होता है मतलब कितने डिग्री का है। इसमें जो अजगे अटलांटिस मशीन में ज़्यादातर ये लगे मिलते हैं, और भी लिप्टन का मशीन है उसमें आपको सेंसर और प्लस वो मिल जाएंगे, थर्मोस्टेट, ये वाले थर्मोस्टेट सेंसर प्लस ये थर्मोस्टेट मिल जाएंगे। और जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे इसमें जो अटलांटिस मशीन में लगती है दो थर्मोस्टेट लगती है, एक लगती है 95 डिग्रीज और दूसरा लगता है 85 डिग्रीज, और प्लस में इसका सेंसर होता है। इसलिए जो अटलांटिस की मशीन है उसका ना हीटर चलता नहीं है। आपने देखे होंगे कि अटलांटिस की मशीन में हीटर की प्रॉब्लम बहुत कम आती है। हाँ, लो वाटर और हीटिंग कम होती है इसकी आती है, बट उसका ना हीटर ना जलने के चांसेस बहुत कम होती है। तो इसमें 3 डिग्रीज दिया जाता है, उसका जो वैल्यू होता है सेंसर का वो उसका भी 85 होता है, और इसका भी 85 है, और इसका जो है वो 95 है। एक्चुअली अगर जब 95 पे जाएगा तो आपका अगर ये फेल होता है तो ये वाला काम करेगा, पहले तो सेंसर काम करेगा, और वो फेल होने के बाद ये वाला काम करेगा, फिर उसके बाद ये वाला काम करेगा। तो ये हो गए अटलांटिस वाली मशीन की, जो अटलांटिस वाली मशीन में जो लगते हैं ये चीज़ें लगती है अटलांटिस वाली मशीन में सेंसर। बट उसके जो सेंसर है वो दूसरे टाइप का सेंसर है, वो है यूँ करके डुबोने वाली, ठीक है। ये है पेच कसने वाली, जो आजकल जो न्यू मशीन जो कंपनी लॉन्च कर रहे हैं उसमें ये सेंसर लगे हुए आते हैं, तो उन चीज़ों के लिए मैं कहता हूँ, ठीक है। और जैसे कि बता देता हूँ मैं आपको, ये है थर्मास्टेट। जब हम इसके अंदर लगाते हैं तो इसको हम लगाते कैसे हैं, सीधा जो हम हीटर है ना, हीटर के एक वायर लेते हैं, और मैन वायर या फिर न्यूट्रल होते हैं वो, तो उसको हम डायरेक्ट सीरीज बना देते हैं, इसके अंदर सीधा सीरीज बना देते हैं, और इसको जो है हम उसकी वॉयलर टैंक के अंदर डाल देते हैं, जिसमें जहाँ पानी गर्म होता है उसके अंदर ये डाल देते हैं हम। तो फिर उसके बाद हम इसको टेम्परेचर सेट करते हैं, और जितने भी कर सकते हैं हम, वैसे इसको तो हम 90 डिग्री पर रखते हैं, बट ये बहुत अच्छा काम करता है ये जो देखेंगे, ये जो है। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और शेयर भी करें, ताकि मेरी वीडियो आपके लिए अच्छा लिखाने वाला हूँ।